एक डायमंड, दो डायमंड, तीन डायमंड्स, चार डायमंड, ये फिफ्थ डायमंड, ये सिक्स डायमंड, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये नाइन डायमंड, ये टेन डायमंड, इलेवन डायमंड, ट्वेल्व डायमंड, थर्टीन डायमंड एंड फोर्टीन डायमंड। लेट्स गो, लेट्स गो। अरे भाई गिर गया मैं। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम एंड मेहनत लगी है, तो हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। सो गाइस, लास्ट वाले वीडियो में आप सभी लोगों को याद हो मैंने बनाया था एक सर्वाइवल हाउस, एंड वो वाली वीडियो नहीं देखे तो सर जल्दी से आगे जो देख के आओ। एंड आज में प्लान है भाई, सो हम ढूंढने जाएंगे डायमंड। लेकिन उससे पहले गाइस मुझे ना इस हाउस पे भी देखो, मैंने थोड़ा बहुत है ना सामान कलेक्ट करके रखा है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो हमारा चेस्ट रूम है कितना ज़्यादा ओपी है। एंड यहाँ पे है मेरे पास एक स्मेल्टिंग रूम, और चेस्ट में मैंने जो कुछ सामान यहाँ पे कलेक्ट करके रखा है, ये देखो यहाँ पे भी कुछ सामान है। सो गाइस अभी मैं जैसे कोबलस्टोन जनरेटर बनाना है, क्योंकि उसकी आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। मेरे पीछे जो डोर दिख रही है उसको वहाँ से रिमूव करते हैं सबसे पहले, एंड वहाँ पर बनाएंगे कोबलस्टोन जनरेटर को। सो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारी की सारी डर्ट जो है मैंने रिमूव कर दी। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा लेकिन हाँ कर दी। ये देखो सारा का सारा सामान जो कि कॉबल स्टोन जनरेटर को बनाने के लिए चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना अगर आपको बनाना सीखना हो कॉबल स्टोन जनरेटर। एंड अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो है इसे होल्स कर देने हैं कुछ ऐसे तीन ब्लॉक के। एंड इसके बाद मुझे जो है यहाँ पे ऐसे स्टेयर्स ला के ऐसे लगानी है, लेट्स गो। एंड यहाँ पे मुझे जो है और थोड़े से यहाँ पे जो है ब्लॉक्स यहाँ पे डिग करने पड़ेंगे लावा रखने के लिए, क्योंकि इस सेक्शन में जो हमारा लावा आने वाला है एंड दूसरे सेक्शन में हमारा वाटर आने वाला है। सो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं आपको मिलता हूँ जो भी भाई साहब जनरेटर बनके तैयार हो जाएगा। लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पे हमारा जनरेटर बनके रेडी हो चुका है, और ये मुझे देने वाला अनलिमिटेड अमाउंट में कॉबल स्टोन। ये देखो ये कैमरा एंगल कितना ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे जो है लावा और वाटर के बीच में जो कॉबल स्टोन जनरेट हो रहा है। एंड मैं आपको दिखा दूंगा जो है कलेक्टिंग एरिया भी बनाए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है कॉबल स्टोन ईजिली कलेक्ट हो रहा है। सो गाइस अभी मुझे थोड़े बहुत ना खाना वाना बनाना पड़ेगा भाई साहब वहाँ पर, कि उसके अंदर अच्छा खासा हमें खाना चाहिए होगा। सो मैं यहाँ से जो है थोड़े बहुत कैरेट्स उठा लेता हूँ, ये मुझे तो फूड फार्म से मिले थे। ओके सो यहाँ से मैंने कैरेट्स और ब्रेड उठा लिए थोड़ी बहुत। एंड अभी यहाँ से मैं गोल्ड ले लेता हूँ, एंड मैं बनाने वाला हूँ गोल्डन कैरेट्स। ये सो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फूड होता है, मैं इस वाले वर्ल्ड में जो है इस गोल्डन कैरेट्स को भाई साहब अभी खाने वाला हूँ। मज़ा आएगा भाई साहब, प्रीमियम फूड खाने को मिलेगा। यहाँ पे मैं रख दे गोल्डन गेट्स, एंड यहाँ पे मैं रख दूंगा बीच में गोल्डन कैरेट। ये बन गया हमारे गोल्डन कैरेट्स, लेट्स गो। फिलहाल गाइस मैंने यहाँ पे सारा का सारा सामान कलेक्ट कर लिया, एंड इस सामान के साथ अभी मैं जा सकता हूँ कि उसके अंदर डायमंड्स फाइंड करने के लिए। सो यहाँ पे गाइस मुझे बहुत टाइम पहले एक केव दिखी थी, ये देखो भाई साहब मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा डीप केव है। आई होप यहाँ पे मुझे जो है डायमंड्स मिल जाएं। सो लेट्स गो, इधर से मैं नीचे चलता हूँ, एमएलजी मारेंगे भाई साहब। ये देखो एमएलजी मारेंगे, वाटर बकेट है मेरी इन्वेंट्री में, लेट्स गो। यहाँ से मैं चलूँगा नीचे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज। ओ नो भाई मेरे वन आर्ट पे हूँ यार, एमएलजी फील कैसे होगी। वाटर बकेट तो भाई साहब सही प्लेस की थी। फिलहाल गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुझे माइन शॉफ्ट मिल गई है, इसके अंदर हम फाइंड करने वाले डायमंड्स। लेकिन मुझे जो है आसपास यहाँ पे जो टॉर्चेस लगाने पड़ेंगे नीचे की केव में, ताकि मैं थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकूँ, ताकि दूसरे मॉब स्पॉन ना हो सके। लेट्स गो, यहाँ से अभी मुझे नीचे जाना है, लेकिन यहाँ से सबसे पहले मैं पानी मारूंगा भाई साहब, बिजली बार की तरह एमएलजी नहीं करूंगा भाई, पता चला फेल होगा यहाँ पर ही भाई साहब मर जाऊंगा मैं। सो अभी पानी नीचे चला चुका है, एंड देन मैं यहाँ से जो है डायरेक्ट जंप मार सकता हूँ, प्लीज़ वाटर में जाके गिरूँ। लेट्स गो, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ नीचे, वो भाई साहब। सो यार गाइस अभी मैं जो है यहाँ पे चारों तरफ टॉर्च जो है वो लगा देता हूँ, लेट्स गो। चारों तरफ लगाएंगे टॉर्च, स्केलेटन बेटा बहुत मारूंगा, आना मत भाई। सो गाइस यहाँ पे जो है मैं टॉर्च लगाने के बाद जो थोड़ी देर ये के होने चला गया था, मुझे काम था यहाँ पर एक गड्ढे में बंद होके, एंड देन वापस मैं गेम में वापस आता हूँ अपने छपरी वर्ल्ड में। फिर ये देखो भाई साहब मेरे साथ क्या होता, ओ नो मैं तो EFK होके यहाँ पे आया था भाई, ये क्या हो गया मेरे साथ, ओ नो। अबे यार अभी वापस केव में जाना पड़ेगा, प्लीज़ मेरा सामान डिस्पोन ना हुआ हो। सो गाइस अभी मुझे जो है आयरन आर्मर एंड भाई साहब बहुत ज़रा खाना वगैरह वापस से सारा सामान कलेक्ट करके वापस से जाना पड़ेगा यार उस केव में। ये क्या हो गया मेरे साथ, ओ भाई साहब, अरे शिट यार, ये काफ़ी गलत सीम हुआ भाई साहब, ऐसे कैसे हो सकता है।
सो गाइस वापस से आ चुका हूँ मैं कीव के अंदर। वापस से सारा का सारा आइटम्स मैंने ये देखो कलेक्ट कर लिया है एंड मुझे मेरा सामान वापस से नहीं मिला। ये देखो डिस्पोन हो गया, यहाँ पर मैं बंद होके गया था, मैं दिखाता हूँ। अबे एंडरमैन तेरे को बहुत मारूंगा बेटे, आ जा आ जा। नहीं तुझे मुझे पंगे लेने हैं ना, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा भाई तेरे को। हाँ भाई वो बात अलग है, आँख मैंने डाली थी भाई सॉरी। अरे भाई जॉम्बी भी आ रहा है, रुको भाई दोनों की मैं चटनी बनाता हूँ इधर आओ। अबे 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 रुक जा थोड़ी देर रुक जा बस। अबे जॉम्बी मुझे मारने तो दे, अबे ये बीच में आ रहा है, ये क्या हो रहा है, व्हाट यार। ओह नो मेरी हेल्थ यार बहुत ज़्यादा कम हो रही है, रुक जाओ भाई तुम दोनों को अकेले। हाँ भाई एंडरमैन चल निकल, अभी मेरी 1 हार्ट पे हूँ यार। रुको जॉम्बी भाई तेरे को रुक, मुझे पहले खाना खाने दे भाई। रुक जा अभी मत मार मार मार। हाँ भाई सबसे पहले मैं जो खाना खा लेता हूँ फिर ये जॉम्बी को बता रहा हूँ। हाँ भाई जॉम्बी बहुत बोल रहा था है, अबे आया मज़ा जॉम्बी। सो गाइस यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत गोल्ड के ओर्स दिख रहे हैं, उनको फटाफट से माइन करते हैं और फिर चलते हैं माइनशाफ्ट में। ज़्यादा नहीं लेकिन टोटल 10 ओर्स मैंने कलेक्ट कर लिए एंड अभी यहाँ से मैं जो है माइंड शॉफ्ट में डायरेक्ट यहाँ से छलांग मारता हूँ लेट्स को। अब यार काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रही है माइंड शॉफ्ट, कोई बात नहीं यार हम भी भाई साहब यहाँ पे ब्रो ही हैं भाई, ये पार्कोर करेंगे लेट्स को। सो भाई साहब यहाँ पे क्या है भाई, अबे यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, डेड एंड है ये तो। नेक्स्ट यहाँ पे भाई साहब देखते हैं क्या है। ओ नो नीचे मैं डायरेक्ट यहाँ से छलांग मारता हूँ लेट्स को, देखते हैं भाई साहब MLG कर पाता हूँ कि नहीं। ओ भाई साहब यहाँ से भाई साहब, ओ मेरा पैर फिसल गया, ओ नो मैं गिर गया पानी में, शेट यार ये क्या हो गया, किस्मत ही खराब है मेरी गाइस। ये देखो भाई साहब मैं यहाँ से जो पानी से ऊपर जा रहा हूँ लेट्स गो, यहाँ से ऊपर चलते हैं। ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पता नहीं यार ये पानी का सोर्स आ कहाँ से रहा है, लेकिन यार ठीक है भाई साहब मैं पहुँच तो जाऊँगा कम से कम। ओ भाई साहब कौन मार रहा है, स्केलेटन कहीं से भाई साहब तीर मार रहा है, भैंस की बहुत मारूंगा। ओ भाई साहब ये नीचे गिराने वाला है मुझे स्केलेटन, अभी मार। अरे भाई साहब ये स्केलेटन ने मुझे नीचे गिरा दिया अभी यार। वैसे देखा जाए तो भाई साहब ये कितनी ज़्यादा बड़ी रिवीन है यार, कसम से यार बहुत ज़्यादा बड़ी है। यहाँ से देखो मैं ऊपर आ चुका हूँ यहाँ पे एंड अभी एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू करते हैं। ओ लेट्स गो, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लूट मिल चुकी है एंड कुछ ब्रेड्स एंड रेल्स एंड रेडस्टोन, एक बुक मिल चुकी है मुझे लेट्स गो। वाओ एक और चीज इसके अंदर क्या है, फिर से एक बुक और कुछ ब्रेड्स एंड थोड़ी बहुत टॉर्चेस और रेल्स, लेट्स गो इसको भी जो है फटाफट से कलेक्ट करता हूँ। थोड़े बहुत मेलन के सीड्स भी हैं मैं नहीं लेने वाला, एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे टॉर्चेस लगाता हूँ एंड लेट्स गो भाई साहब, जगह ही खत्म हो गई। ओ माय गॉड यहाँ पे भाई साहब एक स्पाइडर स्पॉनर है, इसको मैं बाद में जाके देखूंगा, लेट्स गो फिलहाल यहाँ से मैं चलता हूँ। और ये भाई साहब ओ माय गॉड हमारे डायमंड्स मिल चुके हैं, ओ भाई साहब मज़ा आ गया। अबे भाई साहब इसमें चेस्ट में आयरन सर कुछ अच्छी खास यहाँ पे लूट दिख रही है मुझे, सबको कलेक्ट करता हूँ मैं लेट्स गो। अभी थोड़े डायमंड्स कलेक्ट करने की बारी, ये एक डायमंड एंड आई गेस यहाँ पे और एक डायमंड्स होने चाहिए। अरे यार दो ही डायमंड, चलो वही बात नहीं, एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू करते हैं लेट्स गो। इस चेस्ट में थोड़ी बहुत ग्लो बेरीज, थोड़ी बहुत टॉर्चेस एंड भाई साहब नेम टैग मिल गया ना, इसे काफ़ी अच्छी बात है, नेम टैग मिल गया मुझे। ओ एक और चेस्ट इसके अंदर क्या है, थोड़ी बहुत ग्लो बेरीज है, एक और नेम टैग है, अरे नहीं ये तो पहले का ही था भाई, थोड़े से आयरन्स और बाकी सारा सामान लेट्स गो। यहाँ पे भाई साहब ये देखो मैंने एक यहाँ पे ये वाली साइड ये वाली और चारों साइड एक्सप्लोर कर दिया, अब पता नहीं मैं सब मैं कहाँ पर जाऊँ। अच्छा हाँ ऊपर से रास्ता, चलो गाइस ऊपर चल के देखते हैं, पता नहीं भाई साहब यहाँ पे और लूट मिलेगी। अभी अंधेरा है, टॉर्चेस लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओ लेट्स गो, ओ भाई डायमंड्स मिल चुके हैं लेट्स गो। ओ भाई साहब मज़ा आ गया यार, इसको भाई तोड़ दो, तोड़ तोड़ फेंस को तोड़ो। चलो भाई साहब डायमंड्स कलेक्ट करते हैं, एक डायमंड है, दो डायमंड्स, तीन डायमंड्स भी हैं मेरे पास। अरे भाई कितने डायमंड्स है, व्हाट ओ नो यो भाई कितने ज़्यादा डायमंड्स है यहाँ पे लिटरली, क्या ये पॉसिबल है माइनक्राफ्ट में भाई साहब इतने ज़्यादा डायमंड्स होना, आई डोंट थिंक भाई सब पॉसिबल है लिटरली ब्रो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायमंड्स है। अरे कोऑर्डिनेट्स आपको मेरे दिख रहे होंगे, मैं आपको जो एक शीट दूंगा बाद में, आप जाके देखना भाई साहब आपको भी मिल जाएंगे यहाँ पे डायमंड्स। सो गाइज मैंने यहाँ पे ये देखो टोटल 16 डायमंड्स कलेक्ट कर चुके हैं, दो मेरे सब पहले से थे, सो यहाँ पे मुझे टोटल 14 डायमंड्स मिले एंड हाँ भाई साहब पहले ही बताऊँ तो क्रिएटिव वगैरह मैंने कुछ यूज़ नहीं किया। ये देखो मैं आप एक बार जो क्या बोलते हैं अपने सीड बता देता हूँ, आप यहाँ पे जो है इस कोऑर्डिनेट पे आ जाना, आपको कोऑर्डिनेट तो पहले दिख ही गए होंगे। सो लेट्स गो यहाँ पे मैं आपको सीड दिखा देता हूँ, सो ये रहा मेरा सीड, इसको आप जो है ट्राई कर सकते हो एंड देख सकते हो भाई साहब। ओ लो यहाँ पे भाई साहब ये स्पाइडर का स्पॉनर है,
लेट्स गो, इसको मैं तोड़ देता हूँ फटाफट से सारे के सारे केजेस को। अभी स्पाइडर वो भाई पॉइजन कर दिया मुझे स्पाइडर ने। अभी स्पाइडर भाई नीचे मत गिराना प्लीज़ प्लीज़, निकल चल तेरी भैंस की। सो गाइस मैं यहाँ पर जो है इन सब क्या बोलते हैं इसको कॉब वेब को जो तोड़ देता हूँ फटाफट से। गाइस जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं कमेंट में 100 लिख दो, मैं समझ जाऊँगा यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहा है। सो फाइनली गाइस यहाँ पे जो कॉब वेब भी टूट चुके हैं हमारे, एंड इस भाई सब स्पॉनर को मैं अभी नहीं तोड़ूंगा, इसको जो है हम आगे नेक्स्ट एपिसोड्स में जो है यहाँ पे मैं एक्सपी फार्म बनाऊंगा इसको, स्पाइडर एक्सपी फार्म। यस लेट्स गो भाई सब यहाँ पे एक्सप्लोर्स। ओ भाई डायमंड्स मिल चुके हैं भाई सब, एक डायमंड प्लीज यार, थोड़े से और डायमंड्स मिल जाए यार मज़ा आ जाएगा। अबे दो ही डायमंड थे, चलो कोई बात नहीं, थे भी काफ़ी हमारे लिए। लेट्स गो अभी आगे चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। ओ भाई सब और डायमंड्स, लेट्स गो, कितने डायमंड्स है भाई साहब, थोड़े से ज़्यादा ही देना यार डायमंड्स। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, अरे भाई तीन डायमंड्स, चलो कोई बात नहीं, जितना मिले उतने में खुश रहना चाहिए है ना। लेट्स गो, ओ भाई मुझे यहाँ पे एमेथिस्ट वाली, ये क्या बोलते हैं इसको भाई, मुझे नहीं पता यार क्या बोलते हैं, ये वाली जगह मुझे मिल चुकी है यहाँ पे एमेथिस्ट का। ये ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, कैसे लाइट वगैरह, स्मूथ बेसल्ट वगैरह, ये देखो कितनी मस्त आवाज आ रही भाई साहब इसको तोड़ के। ये देखो भाई इसको जो है मैं आगे अपने फ्यूचर में जो बिल्स में यूज़ करूँगा। अबे ज़ॉम्बी तेरे को किसने बुलाया, हाँ हाँ ज़्यादा बहुत, अरे नीचे गिर गया ये तो। चलो भाई सब इस ज़ॉम्बी को बता दें, हाँ अभी ज़ॉम्बी क्या भाई, अरे भाई बहुत मार रहा है, अभी दूसरा ज़ॉम्बी आ गया इसकी हेल्प करने। अबे ज़ॉम्बी तो भाई सब ओहो मुझे मारेगा, आ जा आ जा तेरी भैंस की निकल। ओ भाई साहब, ओ क्रीपर भाई, अभी क्रीपर भाई साहब बाल बाल बच गया, अभी यहाँ पर मौत हो जाती। सो गाइस काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया, अब वक्त है यहाँ से निकलने का, एंड मैं भाई साहब वापस यहाँ पे गिर गया था भाई साहब, हाँ मेरा तो काम ही है गिरना। अरे भाई साहब ये कहाँ से मारा स्केलेटन, अभी अभी मौत हो जाती। ओ भाई साहब वापस, ओ नो भाई बच गया यार, अभी मैं लावा में गिर जाता मेरी हेल्थ देखो। ओ नो भाई स्केलेटन का एक अलग ही पंगा यार, ऊपर चढ़ना ही नहीं देते। सो अभी मैं जो है फटाफट से यहाँ से ऊपर चढ़ता हूँ, एंड यहाँ से मैं चलूँगा इस तरह। लेट्स गो भाई साहब, मैं यहाँ से जो बाहर आ चुका हूँ, अभी मुझे ऊपर जाना है, लेकिन मेरे पास ब्लॉक्स नहीं है मैं भाई साहब, अभी मुझे थोड़ी बहुत कॉबल स्टोन माइन करने पड़ेंगे। ये देखो भाई एक ही कॉबल स्टोन भाई साहब, थोड़ी बहुत कॉबल स्टोन माइन करते हैं फटाफट से निकलता है इसकी उसे बाहर। लेट्स गो फाइनली गाइस यहाँ पे जो कॉबल स्टोन मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, एंड अभी निकलता है इधर से बाहर। आप लोग जो है ना गाइस टाइम लैप्स एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। सो फाइनली गाइस यहाँ से जो है केव से बाहर आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड अभी मैं दिखा देता हूँ टोटल 21 मेरे पास यहाँ पे डायमंड्स हैं, कुछ यहाँ पे मेरे पास देखो 31 गोल्ड के हैं, एंड कुछ भाई साहब यहाँ पे जो मेरे पास बुक्स वगैरह भी हैं, इतना सामान मुझे मिला है ठीक है माइनक्राफ्ट से। सो फाइनली भाई साहब घर पहुँच चुका हूँ। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।